गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि जो कक्षा 12 की रुकी हुई परीक्षाएं हैं वो 9 जून 2020 से स्टार्ट हो रही हैं। उसमें पहला पेपर केमिस्ट्री का है और उस पेपर के केस में मैंने आपसे ये बोल रखा है कि जो आपके पास आदर्श पेपर के सेट पहुंचे हुए हैं उन पेपरों को आप सॉल्व कीजिए। जहाँ कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बेहिचक बाई कॉल अथवा व्हाट्सएप से क्वेश्चन कीजिए, विथ वीडियो आपको जवाब मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस प्रक्रिया को फॉलो करेंगे। और इसमें इस चीज़ को ध्यान पे रखना है कि जब कभी भी आप इसका अध्यापन कर रहे हैं तो आपके पास रफ और पेन होनी चाहिए ताकि आप नोट्स अपने से तैयार कर सकें और उसका सही जवाब परीक्षा में आप लिख सकें। इसके लिए एक बच्चा ने मेरे को ये सेट वी का क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें ये लिखा हुआ है कि अर्धायुकाल क्या होता है और उसमें प्रथम कोट अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल में सांद्रता का क्या प्रभाव है, यानी सांद्रता का कोई रोल होता है कि नहीं होता, इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। उसमें बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और इसको समझना है। समझने के लिए बच्चे को ये जानना जरूरी है कि अर्धायुकाल है क्या। तो सबसे पहले अर्धायुकाल को जानना है तो इसमें ये जानना जरूरी है कि अर्धायुकाल वह समय होता है जिसमें क्रियाकारक की सांद्रता मूल सांद्रता की आधी रह जाती है। क्रियाकारक की सांद्रता मूल सांद्रता की आधी रह जाती है। मेरा मतलब यह है कि कोई टाइमिंग फिट किया हुआ है, टाइमिंग सेट है कि इस टाइम पर किसी भी क्रिया का जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, वो आधी रह जाएगी, वहीं उसकी अर्धायुकाल होगी। फिर ये बोलता है कि फर्स्ट कोट के लिए, किसके लिए, फर्स्ट कोट के लिए जो अभिक्रिया का अर्धायुकाल है उस पे सांद्रता निर्भर करेगी कि नहीं करेगी, उसको प्रूव करके देख लेते हैं। तो जब प्रूव करते हैं तो अपने पास में जो फार्मूला आपके पास था, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको कंफर्म करना है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो अभिक्रिया दर आपको दी गई थी, यानी के जो दिया हुआ था, मैंने आपको सॉल्व करके दिया था, ये के तो 2.303 डिवाइडेड बाई टी, फिर यहाँ पर दिया मैंने लॉग ए डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स टू द बेस ऑफ 10। ये था क्या, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए अभिक्रिया दर। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो अभिक्रिया दर के थी, इसी के जरिए से आपको अर्धायुकाल को प्रूफ करना है। तो प्रूफ इसमें कुछ नहीं, हमको ये जानना है कि अगर यहाँ पर t इज कल टू t हाफ हो जाए तो जो कंसंट्रेशन चेंज हुआ है, यानी एक्स टू एक्स इज कल टू ए वाई टू हो जाएगा। इस बात को फॉलो करना है और हमें क्या कैलकुलेट करना है, अर्धायुकाल। तो अर्धायुकाल कौन है, टी हाफ है। तो इस फार्मूले पे लाकर के इसको जब हम रखेंगे तो कुछ इस तरह से फार्मूला बनेगा। क्या बन जाएगा फार्मूला, के, अब यहाँ के नहीं रखेंगे, टी हाफ कर दें, इजकल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग ए डिवाइडेड बाई ए माइनस ए अपॉन टू। ए अपॉन टू क्यों लिखा, क्योंकि एस इजकल टू ए बाई टू, प्रारंभिक सांद्रता हाफ हो जाती है, तो हाफ कर दिया, यहाँ पर हाफ हो गया, टू द बेस ऑफ 10। बहुत सिंपल आइडिया से मैंने इसको आपको समझाया हुआ था। अब अगर यहाँ पे दिक्कत है तो हम फिर से लिख रहे हैं टी हाफ इजकल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के। अब यहाँ पे आपको सॉल्व करना है इसको, यहाँ सॉल्व करने में ही बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा फील हो रहा है मेरे को। तो ये कैसे सॉल्व होगा ये देख लें, यहीं पर हम हल इसको सॉल्व कर रहे हैं, ए डिवाइडेड बाई ए माइनस ए बाई टू। आप इस पोर्शन को सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करेगा बच्चा, यहाँ पे देगा तो एलसीएम 2 और डिवाइडेड बाई 1 कर लें, मान लेते हैं 1, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2a माइनस a, हो जाएगा कि नहीं, क्यों 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 ही आएगा, और उस 2 को इंटू कहाँ कर देंगे, ऊपर a में, तो इसमें किया तो 2a हो गया, 2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का इंटू इसमें कर लिया, तो ये फार्मूला बन गया आपका। जब ये फार्मूला बन गया तो इसको आपने फिर किया,
जब फिर किया तो ये कैसे हो जाएगा? ए ये ऊपर का ही है, तो यहाँ पे अभी हमको सॉल्व करना है, ये ऐसा बना, ठीक है ना, ये ऐसे बन जाएगा। बनने के बाद आपको यहाँ देखना क्या है, ए डिवाइडेड बाई टू, क्यों ए आया, ए तो ये ऊपर वाला था, फिर यहाँ पर जो 2a - a था तो 2a में ए गया, तो ए ही बचेगा। अभी इस चीज़ को ऐसा बन जाएगा, ऐसा करने के बाद आप इसको और करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 2a - a हो जाएगा, तो ए से ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो जब ये कैंसिल हो गया तो आपके पास बचा हुआ चीज़ क्या है, यहाँ पर वैल्यू क्या है, 2। तो जब 2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग 10 2। कोई दिक्कत नहीं। अब जब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई तो अब आपको कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वैल्यू को सीधे पुट करें। वैल्यू क्या है, बच्चा जानता है कि लॉग 2 की जो वैल्यू है वो होती है 0.3010। इसको आपको पेपर में दिया रहेगा, ये पेपर में दी हुई वैल्यू रहेगी, बच्चे को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नहीं है तो आपको टेबल दी रहेगी, वहाँ से आप निकाल लेंगे, 1/2 किया इक्वल टू किया। अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करें, एक ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसको कैसे सॉल्व करें। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब क्या रहेगा आपके पास, 2.303। अब लॉग 2 की वैल्यू इतना है तो इनटू क्या हो जाएगा, 0.3010 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, के। अब जब ये हो जाएगा तो t½ = 2, इसको इनटू करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू, जो आपको मिल जाएगी वो हो जाएगी 0.693/k। ये आ गया आपके पास, ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ कर दिया। अब आपको ये देखना है कि क्या यहाँ पर कहीं प्रारंभिक सांद्रता है, तो कहीं पे भी प्रारंभिक सांद्रता आपको नहीं दिख रही, सांद्रता दिख ही नहीं रही है। ये निश्चित हो गया कि प्रथम कोट की जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया का जो अर्धकाल है, उसमें सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बच्चे को प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है, ये कैसे आ रहा, इसका सलूशन बच्चा यहाँ से देख लेगा, अब उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम है। अब रही बात एग्जाम में सॉल्व करें तो क्या करें सर, ऐसा लिखें, बिल्कुल कर सकते हैं, इसको रफ कार में कर लीजिए, इसको मेन फ्रंट में कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आंसर में नीचे आपको यहाँ पर लिखना होगा कि चूंकि प्राप्त अर्धकाल में प्रारंभिक सांद्रता का कोई रोल नहीं है, अर्थात यह अर्धकाल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, आंसर पूरा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया, और जहाँ कहीं भी कोई प्रॉब्लम है उसको आप तुरंत दें, और इसी तरह से वीडियो के साथ में आप उसको प्राप्त करें। YouTube में डाल रहा हूँ, अगर देखते हैं तो उसको अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच।